गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल नेहा मैथोलिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं मॉर्निंग से आ गई हूँ लाइव, क्योंकि आज मौसम हो रहा है बारिश का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बताया हुआ था कि बारिश होने वाली है, हल्की हल्की बारिश हो चुकी है स्टार्ट। और बारिश में तो पहाड़ों में और मज़ा आता है मुझे। ठीक का मौसम देख ही सकते हैं, सामने बादल हैं। आज मॉर्निंग से धूप नहीं आई है, क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं, 9 बजे भी धूप नहीं आई है, इट मीन्स आज धूप नहीं आएगी। और ये देखिए सामने बिल्कुल बादल आ चुके हैं, कोहरा सा आ रहा है और हल्के हल्के छींटे बारिश की आज पड़ने लग गई है, तो इससे आइडिया लग सकता है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। कभी सोचा नहीं था कि इस चीज़ का भी उत्तराखंड में यूज़ हो जाएगा। मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में, मेरे आप सुन रहे होंगे, मैं बोल रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं, मतलब चीड़ ही ज़्यादा दिख रहा है और पेड़ पौधे जंगलों में कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एक अब मुझे रीज़न पता चला है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चेक करवाया कि ऐसा क्या है जो यहाँ पे ज़्यादा चीड़ के पेड़ ही हैं। तो उसका मुझे एक चीज़ बताई गई है, वो आज मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी अपने चैनल के माध्यम से। शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ पहले सुनी ना हो, मे भी हो सकता है जो अल्मोड़ा के हैं, जो इस साइड रहते हैं, उनको इस बारे में पता भी होगा, बट मेरे साइड जो भी लोग हैं उनको आई थिंक नहीं पता होगा। तो उनके लिए एक नई चीज़ है कि उत्तराखंड पहाड़ों में किसी भी चीज़ का मतलब यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का दिन मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आज बनाते हैं ब्रेकफास्ट। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ उस चीज़ को दिखाने के लिए मुझे कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्योंकि जिस होम स्टे में हम लोग स्टे कर रहे हैं वहीं ये काम हो रहा है, तो बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए। बाकी पहले मॉर्निंग में काम ख़त्म कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं। सामने देखिए बिल्कुल धुआंधार बादल आते जा रहे हैं, आज बारिश लगता है तेज होगी। आप वहाँ सामने देखिए कितना वाइट, इतना प्यारा लग रहा है। चलिए पहले हम अपना काम ख़त्म करें। हाँ जी, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है तुमने? यहाँ अभी ये तो ऐसा हो गया है, मैं जब से आई हूँ पहाड़ों में चाय चाय चाय, दिल्ली में दो चाय होती थी या एक चाय, यहाँ तो दिन में अब छह चाय हो गई हैं। चाय के अलावा भी कोई और चीज़ लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है चाय में। चाय बना लो, चाय के साथ बिस्किट। आज बनाऊंगी मैगी, तुम्हारे लिए मैगी बना लो फिर। तो तुम भी मैगी खा लोगे? चलो वाओ, आज बहुत जल्दी फ्री होने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज बना रही हूँ एक ही चीज़ मैगी और चाय। मैंने किचन में बुला लिया है मैगी बनाने को, थोड़ा काम मैं कर चुकी थी, मसाला वगैरह रेडी, चाय रखी दी है, बट जो मैगी बना रहे हैं वो मैगी में टेस्ट मेरे हाथ से कभी नहीं आता, टेस्ट आता है मिस्टर लकी भट्ट के हाथ से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से बनवा लिया जाए। आज मीटिंग, कॉल मीटिंग तो है नहीं, तो आज मैगी मीटिंग है। तो क्या कहना चाहते हो तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें मैगी बनाते हुए भाई? वैसे ही जैसा हलवा लगता है। हाँ ये भी सच है भाई, दिल्ली में जब भी मैगी मैं खाती हूँ तो यही बनाते हैं, क्योंकि टेस्ट इसी के अंदर है मैगी मसाला सब। और नहीं कुछ नहीं लाया एक्स्ट्रा। दोस्तों ये बन गई है हमारी मैगी, अब इसमें जब तक पकेगी नहीं तब तक इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बना दी है चाय, इसको अब थोड़ी देर ढक्कन से ढक देते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। चलिए तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, आप देख रहे हैं साइड में हमने वाइट लगाया हुआ है। एक्चुअली जब हम मंदिर से आ रहे थे, आपको पता ही है पहाड़ों में अगर गाड़ी चल रही हो और कोई चीज़ आ जाए तो बहुत तेज़ उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग आ रहे थे रोड में, किसी ने ऊपर पहाड़ों से एक पत्थर फेंक के मारा, हमें पता नहीं चला किसने मारा, बट एक छोटा सा पत्थर गाड़ी के अंदर आया और पूरा कांच का हमारा मिरर जो था बिल्कुल टूट चुका है। बट थोड़ा सा अच्छा ये हुआ कि वो हमारे फ्रंट वाली गाड़ी में, मतलब फ्रंट गेट के उसमें नहीं लगा, बैक साइड में लगा, बैक साइड में कोई बैठा नहीं था, पूरा कांच कांच हो चुका था। हम लोग काफ़ी डर गए थे रोड में, पहले हमने गाड़ी रोक के पहले उसको सब चीज़ सही किया
और अभी गाड़ी में मिरर नहीं है तो यहाँ आसपास कोई है भी नहीं लोकल कि गाड़ी में लगाएं, है लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया कि इस गाड़ी के लिए नहीं है, तो अब ये दिल्ली जाके करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, सबको समझाएं जो भी आपके नून में पहाड़ों में रहते हैं कि ऐसे कोई भी शैतानी या मस्ती ना करें कि ऊपर से रोड में पत्थर फेंका जाए, आपका एक छोटा सा मजाक किसी की जान जा सकती है। और दोस्तों देखते हैं मैगी कितनी बन चुकी है। वैसे तो मैगी 2 मिनट में पक जाती है, हमारी मैगी को अभी 5-7 मिनट हो चुके हैं। कलर तो अच्छा आ गया, बस इसी वजह से मैं हस्बैंड को बोलती मैगी बनाने को, क्योंकि इनके हाथ का टेस्ट अलग होता है। मसाले ये डाल दे, बाकी चीज़ मैं कर दूँ तो उतना ही काफ़ी है। बट आप देख सकते हैं अभी इसको 5 मिनट और देने पड़ेंगे। मैंने बाहर बालकनी में लगा दी है चेयर एंड यहाँ पर हम बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट। सामने देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं और ये देखिए सामने व्यू। हमने क्या बोलते हैं ये फुल गर्म करा था पानी, फुल ये ऐसे ही नहीं नहीं फुल गर्म भाई ऐसे डालो, चलो डाल लो खाना। इसमें से नहीं यार, इससे तो पानी बहुत मन हो जाएगा। चाय एंड ग्रीन टी। अब अरे ये तो गर्म हो रहा है तो हम इसको हटाते हैं और हमारी मैगी हो गई रेडी। तो पहले डालते हैं मैगी। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको लेकर जाऊंगी जो भी यहाँ पे अल्मोड़ा में चीड़ के पेड़ का यूज़ होता है उसको दिखाने के लिए। यहाँ पे मशीनें भी लगी हुई हैं तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से वो मशीन को दिखाने के लिए। चलो मिलवाते हैं आपको। फ्रेंड्स ये हम लोगों का होम स्टे है, ये हमारी गाड़ी है, कोई आ रखा है क्या? और इसी जगह में वो मशीन जो अच्छा, काम होता है वो इस जगह में। तो अच्छा। चलिए आपको लेकर चलते हैं। ये आज आ रही है, अरे ये तो मैं भी आज ही देख रहा हूँ। ठीक है ना, जो पाउडर होता है आप तो उसका पिरुल का इसमें डलता है फिर वो छोटे बना देते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे बनते हैं क्या छेद जैसे? ये पीस है, ये जो दिख रहा है अच्छा ऐसे ऐसे वो मतलब अगर वो धूप बत्ती जैसी निकलेगा तो वो चल जाते हैं 1 घंटे यार, मतलब तो बहुत चलता है। अच्छा एक मशीन ही है तो ऐसे पीस दिया ये ये रहा इसका बुरा दिखा दो चला दो नहीं वरना ऐसे दिखा दोगे अच्छा। अरे सुबह से तो चला ही रखा था मेरे ख्याल से। ये आपको लेकर चलते हैं ये मशीन के पास। ये क्या ये अच्छा ये मतलब पिसके ये पिसके जा रहा है यहाँ से? पाइप से जाएगा ना पिसके। हाँ यहाँ से डालेंगे। हाँ ये यहाँ से निकलेगा इसका बाहर। ये रहता है इतना पतला रहता है। अच्छा ये ऐसे वैसे बना दो इतनी जल्दी चलने के वाला हुआ घर में गांव में भी कहाँ चलते हैं। और लेकिन इसके पहले बनते हैं ना जो फॉर्म होता है इसका लास्ट फॉर्म होता है। ये मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये तो ऐसा है और वहाँ पे तो गीला गीला से इसमें कुछ डालते हैं क्या? कौन कौन वैसे हो जाते हैं उनको कंप्रेस होता है ना वो मशीन में क्या होता है कंप्रेस होता है। अच्छा ये दबाएगा तो आपका ये आएगा पहले उसमें थोड़ा पानी सा भी निकलता होगा जी थोड़ा मतलब इनमें रहता है फिर भी ना थोड़ा नॉर्मल इसके अंदर ब्लेड होंगी मतलब इसके यहाँ पे जैसे आपके हाथ में होती है इसके साइज के जैसे मोटे को पीसने ना जैसे वो जब पेड़ भी जहाँ काटते हो देखो ना वहाँ पे चीज तो बढ़िया है यार। ये घर फ्री का ही सामान की जरूरत अच्छा हैवी है इसके लिए पड़ा ना। इसके मास्टर सबसे अच्छे भीम बहादुर है। वो अंकल जी जो ने मारी
अच्छा ये छोटा सा है? मतलब ये सही करने में तुमसे ही पहले से है क्या? सबसे पहले मतलब मशीन सबसे आई है, एक साल हो गया मशीन आने में शुरू है, विधाता की आई फर्स्ट में भीम मात्र और मैंने वो करवाया, फिर ये आई मतलब वो बहुत पहले से है। ये क्या हुआ? ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसलिए लगा रखे है ना, हम लाते हैं इसमें ये आपके